अभी कुछ ही महीने पहले एक नया लैपटॉप लेने का जो स्टार्टिंग बजट था वो अराउंड 30,000 रुपए था। मतलब कि 30,000 में आपको एक बढ़िया लैपटॉप मिल जाता था विद एटलीस्ट i3 10th जनरेशन और Ryzen 3 प्रोसेसर। लेकिन यार जब से लैपटॉप्स के प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं ना, तो 40,000 में भी अपने लिए एकदम ही बेस्ट लैपटॉप बाय करना काफी मुश्किल हो गया है। अब आपने चाहे फिर कोडिंग करनी हो, अकाउंटिंग, ब्लॉगिंग, वेब डिजाइनिंग, ट्रेडिंग, स्टडीज, ऑफिस वर्क, फोटोशॉप और या फिर थोड़ी बहुत ओकेजनल गेमिंग, बहुत ही ज्यादा रिसर्च एंड टेस्टिंग करने के बाद मैंने ये लैपटॉप्स फाइनल किए हैं जिन पे आप ये सारे काम बहुत ही इजीली कर सकते हो। सबसे पहला बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीस इज Asus VivoBook 14। ये Asus की बहुत ही पॉपुलर सीरीज का लैपटॉप है। अराउंड 39,990 रुपीस इसका करंट प्राइस है और इसमें आपको 14 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है। प्रोसेसर इंटेल का i3 11th जनरेशन 1115G4 लेटेस्ट एंड पावरफुल। देखो जो टोटल रैम आपको इस लैपटॉप में मिलती है वो है 8GB की DDR4 3200MHz की, लेकिन इसमें से 4GB ऑनबोर्ड रैम है एंड 12GB तक आप इसकी रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हो। साथ में 256GB की M.2 NVMe SSD है लैपटॉप में, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लैपटॉप में इंटेल इंटीग्रेटेड USD ग्राफिक्स है। फॉर बेटर सिक्योरिटी इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इट इज वेरी लाइट वेट, सिर्फ 1600 ग्राम वजन है लैपटॉप का एंड इसमें आपको सारी नेसेसरी पोर्ट्स की सपोर्ट मिल जाती है, टाइप ए, टाइप सी, HDMI एक्सेट्रा, और इसमें आपको अराउंड 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है। एक और चीज है कि इसमें आपको विंडोज 11 प्री इंस्टॉल मिलती है एकदम ही लेटेस्ट, एंड उसी के साथ में जो इसका MS ऑफिस है वो भी आपको एकदम लेटेस्ट मिलता है 2021 वर्जन, एंड बोथ कम्स विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। मेरे अकॉर्डिंग एकदम वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है ये, डू कंसिडर दिस वन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू चेक इट आउट। नेक्स्ट बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीज इज HP 14S। ये भी एक 14 इंचेस वाला मॉडल है, लेकिन ये 14 इंचेस के स्क्रीन साइज में वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है इन दिस प्राइस रेंज। लैपटॉप का करंट प्राइस अराउंड 41,500 रुपीज है एंड 14 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले है इसमें। इसमें आपको Ryzen का प्रोसेसर मिलता है Ryzen 3 5300U। इसके प्रोसेसर की कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने है। देखो इसमें आपको टोटल 2 रैम के स्लॉट्स मिलते हैं जिसमें से एक ऑक्यूपाइड है विद 8GB ऑफ रैम एंड दूसरे को यूज करके यू कैन एक्सपेंड द रैम अप टू 16GB। एंड इसमें जो आपको स्टोरेज मिलती है वो है 512GB की NVMe SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। AMD Radeon ग्राफिक्स प्रीलोडेड विंडोज 11 के साथ MS Office 2019 भी दिया गया है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। अभी यार आप में से बहुत से यूजर्स को अपने लैपटॉप में एक बैकलिट कीबोर्ड चाहिए, 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी बैकलिट कीबोर्ड ना मिले तो फिर मजा नहीं आता, तो इसमें आपको वो भी मिल जाता है। एंड ये मेरे लिस्ट का सबसे हल्का लैपटॉप भी है, इट वेज ओनली 1400 ग्राम्स। इसे कहीं पे भी कैरी करना एकदम बहुत इजी है, प्लस इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी एकदम बढ़िया है। एंड अब इसके बैटरी बैकअप की अगर बात करें, देखो कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको पूरे 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन यार सच्ची बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली अराउंड 5-6 घंटे तक लैपटॉप चल जाता है, तो इसे भी आपने जरूर कंसिडर करना है। अगर आपको 14 इंच के साइज में लैपटॉप चाहिए कुछ मत सोचो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जस्ट गो फॉर इट, एकदम बेस्ट ऑप्शन है ये। एंड इसी सेम लैपटॉप में अगर आपको 256GB स्टोरेज वाला वेरियंट चाहिए देन उसका भी लिंक ऐड कर दिया है मैंने, वहीं आपका प्राइस 2-3,000 रुपए कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीज इज डेल न्यू 15। अब ये एक फुल साइज डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है लैपटॉप में। एंड इसके आगे भी जितने भी लैपटॉप्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी फुल साइज डिस्प्ले वाले लैपटॉप्स हैं। ये इंटेल प्रोसेसर वेरिएंट है, इसमें आपको इंटेल का प्रोसेसर मिलता है इंटेल कोर i3 11th जनरेशन, एकदम ही लेटेस्ट एंड पावरफुल प्रोसेसर है डिवाइस में। साथ में 8GB की रैम 2666 MHz की विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, 256GB की NVMe SSD है लैपटॉप में एंड दिस स्टोरेज इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल ऑफ दिस लैपटॉप। इंटेल USD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स एंड इसमें आपको मिलती है विंडोज 10 प्री इंस्टॉल एंड साथ में MS Office 2019, बोथ कम्स विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। 1800 ग्राम इस लैपटॉप का वेट है एंड इसमें भी आपको सारी नेसेसरी पोर्ट्स की सपोर्ट मिलती है। और हाँ, ये जो लैपटॉप है वो रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, 80% बैटरी सिर्फ 60 मिनट्स में चार्ज हो जाती है एंड इट्स अ ह्यूज प्लस पॉइंट। फुल साइज कीबोर्ड है अलॉन्ग विद नम पैड, तो डेल का एकदम वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है ये अंडर 40,000 रुपीज। इसका भी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड देखो अगले जो दोनों लैपटॉप्स हैं ना वो इस बजट के मोस्ट सेलिंग लैपटॉप्स हैं एंड Amazon चॉइस के लैपटॉप्स हैं। ये ऐसे लैपटॉप्स हैं कि इन्हें आप बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर सकते हो, परफॉर्मेंस वाइज आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
नेक्स्ट बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीस इज HP 15S। लैपटॉप में आपको 15.6 इंचेस की फुल साइज डिस्प्ले मिलती है एंड ये फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है विद 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। AMD Ryzen 3 5300U प्रोसेसर। प्रोसेसर की कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने है। इसमें भी आपको टोटल दो रैम की स्लॉट्स मिलती हैं। वन इज ऑक्यूपाइड विद 8GB ऑफ रैम DDR4 3200 MHz एंड इसमें आपको 16GB तक रैम को एक्सपैंड करने का ऑप्शन मिल जाता है। 512GB की M.2 NVMe SSD है लैपटॉप में विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। AMD Radeon ग्राफिक्स प्री इंस्टॉल विंडोज 11 मिलती है इसमें प्लस MS Office 2019 लाइफ टाइम वैलिडिटी। इसी के साथ ही फुल साइज कीबोर्ड है अलॉन्ग विद नम पैड एंड इसका जो कीबोर्ड है वो एक बैकलिट कीबोर्ड है। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है लैपटॉप में विदाउट बैकलिट कीबोर्ड वाला, वो अराउंड 1000 रुपए आपको सस्ता मिल जाएगा। 5-6 घंटे का बैटरी बैकअप, सिर्फ 1600 ग्राम इसका वेट है एंड इसे भी कैरी करना एकदम ईजी है। सभी नेसेसरी पोर्ट्स की सपोर्ट मिलती है लैपटॉप में। ऑल्सो डू कंसिडर दिस वन, बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड एक और चीज है कि इसी सेम लैपटॉप में अगर आपको इंटेल प्रोसेसर वाला मॉडल चाहिए विद इंटेल कोर i3 11 जनरेशन प्रोसेसर तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, डू चेक इट आउट। एंड नाउ द बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीज इज लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो भी एक 40,000 के बजट के लैपटॉप में आपको मैक्सिमम मिल सकता है वो सब कुछ आपको इस लैपटॉप में मिलेगा। 40,000 रुपीज इस लैपटॉप का करंट प्राइस है एंड इसमें आपको फुल साइज डिस्प्ले मिलती है 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले IPS एंड साथ में फुल साइज कीबोर्ड है अलॉन्ग विद नम पैड। लैपटॉप में प्राइवेसी शटर कैमरा है एंड ये रैपिड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 80% बैटरी सिर्फ 1 घंटे में चार्ज हो जाती है एंड एक बहुत ही कमाल की चीज आपको इस लैपटॉप में मिलती है जो कि इस बजट के आपको दूसरे किसी भी लैपटॉप में नहीं मिलेगी, दैट इज वारंटी। पूरे 2 सालों की वारंटी है इस लैपटॉप में विच इज डबल देन ऑल द अदर लैपटॉप्स ऑफ दिस बजट। विंडोज 11 है लैपटॉप में, एकदम ही लेटेस्ट एंड साथ में MS Office का भी एकदम लेटेस्ट वर्जन है 2021। बोथ कम्स विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। इंटेल कोर i3 11 जनरेशन 1115G4 प्रोसेसर। रैम है 8GB की DDR4 3200 MHz की विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 12GB एंड स्टोरेज की बात करें तो थोड़ा ध्यान दो। देखो इस लैपटॉप में आपको 256GB SSD एंड 512GB SSD दोनों वेरियंट अवेलेबल मिल जाते हैं तो आपको जो भी लैपटॉप चाहिए वो आप बाय कर लेना। एंड यही सेम लैपटॉप आपको छोटी डिस्प्ले में भी मिल जाएगा 14 इंच स्क्रीन साइज में। तो ऑल इन ऑल एकदम ही बेस्ट लैपटॉप है अंडर 40,000 रुपीज। चाहे आपको 256GB SSD चाहिए और या फिर 512GB, चाहे आपको 15 इंचेस में लैपटॉप चाहिए और 14 इंचेस में, हर एक मॉडल अवेलेबल है इसका, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जस्ट गो फॉर इट। एंड आपने मुझे एक चीज बतानी है कि आपको इन सभी लैपटॉप्स में से बेस्ट लैपटॉप कौन सा लगा, वो आप कमेंट कर दो। एंड इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी तरह की तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इन सभी लैपटॉप्स के बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू चेक इट आउट। एंड प्लीज यार वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। Check the mic and make sure it sound right, boys.